हेलो गाइस, मैं रोहित जैन एम एग्जाम एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए डे टू है और आज हम इसमें वेज ऑफ लाफिंग के से रिलेटेड 15 वर्ड्स सीखेंगे, जो कि आपको पता ही होगा। लाफ मीन्स होता है हंसना, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ शब्द होते हैं जिनको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो उनको आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको अगर मेरा ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है चौटल। चौटल का मतलब होता है गुरगुरा कर हंसना। इसको हम वर्ब और नाउन दोनों की तरीके से यूज करते हैं। इसका मीनिंग है टू चकल और टू अदरवाइज लाफ टू एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन और ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है खुशी से पागल हो जाना या फूले न समाना, मतलब सफलता के ऊपर। तो मतलब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को या अपनी उमंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो इस प्रकार की हंसी को हम चौटल बोलते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरगुरा कर हंसना। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा है जो कि गुरगुरा कर हंस रहा है, तो इस प्रकार की हंसी को हम चौटल बोलते हैं। नेक्स्ट कैशिनेट। कैशिनेट को हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है जोर जोर से हंसना। इसका मीनिंग है टू लाफ लाउडली और ऑब्नॉक्शियसली, मतलब एक अप्रिय तरीके से हंसना और जोर जोर से हंसना। इसको हम इंग्लिश में कैशिनेट बोलते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे एक छोटी सी लड़की है वो इस प्रकार से हंस रही है, इसको हम कैशिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट कैकल। कैकल का मतलब होता है, इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कठोर मुस्कान। इसका मीनिंग होता है टू लाफ हार्शली और शार्पली, मतलब एक कठोरता पूर्वक तीखी मुस्कान में हंसना। तो इस प्रकार की हंसी को हम कैकल बोलते हैं। आप देख सकते हो, देख पा रहे होंगे एक शख्स है जिसकी मुस्कान तीखी है और एक शार्प तरीके से हंसने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार की हंसी को हम कैकल बोलते हैं। नेक्स्ट चकल। चकल को हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है दबी हुई हंसी या दबी हुई हंसी। इसको हिंदी में मत इसका इंग्लिश में मतलब होता है, इंग्लिश में है टू लाफ माइल्डली एंड क्वाइटली, मतलब शांतिपूर्वक और थोड़ा बहुत धीरे धीरे नम्रता पूर्वक हंसना। तो इस प्रकार की हंसी को हम चकल बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एक कपल बैठा हुआ है और ये माइल्डली धीरे धीरे से क्वाइटली धीमे धीमे तरीके से हंसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार की हंसी को हम बोलते हैं चकल। नेक्स्ट गिगल। गिगल का मतलब होता है, इसको हम वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ही कर हंसना। तो इसका मीनिंग होता है टू लाफ विद शॉर्ट रिपीटेटिव साउंड्स और लाफ नर्वसली, मतलब एक शॉर्ट छोटी और रिपीटेटिव, मतलब बार बार रिपीट होकर साउंड्स में हंसना, आवाज में हंसना, और लाफ नर्वसली या बेचैन तरीके से हंसना। तो इस प्रकार की हंसी को हम गिगल बोलते हैं। नेक्स्ट जीर। जीर इसको हम वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है उपहास करना या किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक लड़की है, उसको दो पीछे से एक कपल है, तो वो क्या है, उसका मजाक उड़ाते हुए, उसका डिसरेस्पेक्टफुली, मतलब उसको अनादर तरीके से उसका उपहास करते हुए उस पर हंस रहे हैं, तो इस प्रकार की हंसी को हम जीर बोलते हैं। अब देखो मॉकिंगली और डिसरेस्पेक्टफुली दो वर्ड आए। डिसरेस्पेक्टफुली का मतलब होता है अनादर तरीके से और मॉकिंगली का मतलब होता है किसी का उपहास करते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। नेक्स्ट वर्ड स्मर्क। स्मर्क इसको हम वर्ब और नाउन दो तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी पे खींच निकाल कर हंसना, मतलब इसका मीनिंग स्मर्क इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्माइल वन दैट सजेस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन स्मगनेस और इवन प्लीजर एट समवन एल्सस अनहैप्पीनेस और मिसफॉर्चून, मतलब किसी की मिसफॉर्चून, किसी के दुर्भाग्य पर या किसी के अनहैप्पीनेस के खेद पर।
अपनी आत्मसंतुष्टि को प्रकट करके हंसना, मतलब किसी को, मतलब अपनी सफलता या अपनी चतुराई पर हंसना, किसी को सामने वाले को देख के भाई मैं ही चतुर हूँ, मेरी मैं अपनी असफलता में या मैं अपनी चतुराई पर हंसूं किसी के सामने, तो इस प्रकार किसी को बोलते हैं स्मर्क। स्मर्क मतलब होता है हिंदी में होता है खींच निकार कर हंसना, मतलब किसी के मिसफॉर्चून पर या किसी के अनहैप्पीनेस पर हंसना, खींच निकाल कर हंसना, इस प्रकार के ऐसी को हम स्मर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है रोड। रोड को हम वर्ब और नाउन दो तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है गरजते या ठहाके के साथ हंसना। इसका मीनिंग टू मेक अ लॉन्ग लाउड डीप साउंड लाइक अ लायन और अ टाइगर, मतलब एक लंबा, एक भारी और एक डीप साउंड, गहरा साउंड, लाइक अ लायन और टाइगर, मतलब एक शेर और टाइगर की तरीके से हंसना। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे शेर है, ये दहाड़ रहा है, तो इस प्रकार के हम हंसने, इस प्रकार के एक्टिविटी को या हम रोड बोलते हैं। और जहाँ पे एक देख रहे होंगे कार में एक लड़की है, वो भी बहुत ठहाके के साथ हंस रही है, तो इस प्रकार के हम रोड बोलते हैं। नेक्स्ट टिटर। टिटर का मतलब होता है, इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है ठींठी या ही कर हंसना। इसका मीनिंग है टू लाफ इन एन अफेक्टेड मैनर और नर्वसली, मतलब अप्रभावित प्रभावित ढंग से या नर्वसली बेचैन होकर हंसना। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे शख्स है जिसको आप जानते हैं, इनका नाम जॉन सीना है, तो वो किस तरीके से हंस रहे हैं, ठीटी या ही कर हंस रहे हैं, तो इस प्रकार की हंसी को हम ट्विटर बोलते हैं। इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इस प्रकार की हंसी हम नर्वस तरीके से हंसते हैं, जो आप देख रहे होंगे पिक्चर में नर्वस तरीके से जॉन सीना हंस रहे हैं। नेक्स्ट है स्नीगर। स्नीगर का मतलब होता है खींची कर हंसना। इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है टू लाफ क्वाइटली एंड सीक्रेटली इन एन अनप्लीजेंट वे, मतलब एक क्वाइटली शांतिपूर्वक या धीरे धीरे या सीक्रेटली या छुपकर अनप्लीजेंट वे में, मतलब एक अप्रिय अरुचिकर तरीके से, नापसंद तरीके से हंसना, इस प्रकार की हंसी को हम स्नीगर बोलते हैं। आप देख रहे होंगे दो छोटे बच्चे हैं, वो खींची कर कर हंस रहे हैं, वो छोटी सी क्वाइटली मतलब धीरे धीरे से और सीक्रेटली छुप कर हंस रहे हैं, तो इस प्रकार की हम हंसी को स्नीगर बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रिन। इस वर्ड को हम वर्ब और नाउन दोनों के तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है दांत निकाल कर हंसना। इसका मीनिंग होता है टू ड्रॉ बैक द लिप्स सो एज टू शो द टीथ स्पेशली इन एम्यूजमेंट और लाफ्टर, मतलब जब आप आनंद या सुख के सिचुएशन में होते हैं तब आप अपने दांत निकाल कर हंसते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बच्चा है, उसके बगल में उसके मम्मी डैडी हैं, तो तीनों क्या है यहाँ पे दांत निकाल कर हंस रहे हैं, तो इस प्रकार की हंसी को हम ग्रिन बोलते हैं। नेक्स्ट स्नीकर। स्नीकर को हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है धीरे धीरे हिन हिना कर हंसना। टू लाफ एट समवन और समथिंग इन अ सिली और ऑफन अनकाइंड वे, मतलब किसी व्यक्ति या किसी पर एक मूर्खता पूर्वक हंसना, धीरे धीरे हिन हिना कर हंसना, तो इस प्रकार की हंसी को हम स्नीकर बोलते हैं। किसी पे हंसना इन अ सिली एंड ऑफन अनकाइंड वे, अनकाइंड वे में और मूर्खता पूर्वक हंसना, धीरे धीरे हिनहिना कर, तो इस प्रकार की हंसी को हम स्नीकर बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर को हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ताना मार कर हंसना किसी पर या चहचाना एक तरीके से, जब हम, या पिक्चर से समझिए, पिक्चर से इस वर्ड को समझिए कि पिक्चर में यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे तीन लोग एक साथ हैं, तो तीन लोग एक साथ हंस रहे हैं सारे, वो उसका उपहास कराते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे हैं, तो मतलब उस पर ताना मार कर हंस रहे हैं, वो चहचहा कर, एक साथ में ग्रुप में बैठे हुए तो चहचहा कर हंसना या एक साथ ताना मार कर हंसना, तो इस प्रकार से इसको ट्विटर बोलते हैं। मतलब टू लाफ एंड टॉक अबाउट ए पर्सन और आइडिया इन अ वे दैट शोज दैट यू थिंक दे आर स्टूपिड और सिली, मतलब आप सोचते हो कि उसने कुछ भी बोला या उसने कहा या आइडिया उसका विचार है वो बेवकूफ है, मूर्ख है, और मेक अ हाई पिच साउंड या एक हाई पिच साउंड में हंसना एज ए बर्ड, जैसे कि पक्षी चहचहाते हैं, तो एक हाई पिच मतलब उच्च आवृत्ति की आवाज में हंसना, जैसे एज अ बर्ड, जैसे कि पक्षी हंसते हैं, पक्षी मतलब चहचहाते हैं एक साथ में, तो इस प्रकार के हंसी को हम ट्विटर बोलते हैं। मतलब किसी पे ताना मार कर हंसना या किसी पे चहचहाना एक साथ ग्रुप में, तो इस प्रकार की हंसी को ट्विटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रो। इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कर्कश आवाज में हंसना।
मीनिंग इट मेक्स अ वेरी लॉन्ग एंड लाउड शार्क क्राई, मतलब ये एक बहुत लंबा एक भारी सार्क तीखा एक क्राई तरीके से हंसना। तो इस प्रकार की हंसी को हम क्रो बोलते हैं, मतलब कर्कश आवाज में हंसना। जैसे एक छोटी सी बच्ची देख रहे होंगे ये कितनी तीखी और एक लंबी आवाज में हंसने की हंस रही है, तो ये एक शार्प क्राई है। इस तरीके से हंसना क्रो बोला जाता है। नेक्स्ट है गफा। गफा इसको हम वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अट्टहास करके हंसना, मतलब ठहाके मार के हंसना, जोर जोर से हंसना। टू लाफ लाउडली, जोर जोर से हंसना, स्पेशली एट समथिंग स्टूपिड दैट समवन हैज सेड और डन, या किसी ने कुछ किया हो या किसी ने कुछ कह दिया हो तो उसके ऊपर हम ठहाके मारकर, जोर जोर से ठहाके मारकर बहुत जोर से, स्पेशली मतलब जब किसी ने कुछ कहा हो या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे आपको मूर्खतापूर्वक जिसने कुछ किया हो या कह दिया हो, तो इस प्रकार के हम किसी पे हंसना उसको हम गफा बोलते हैं। इसको वर्ब और नाउन की तरीके से यूज करते हैं, मतलब किसी पे अट्टहास करके हंसना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।